क्या हुआ जब गंगा नदी से अचानक प्रकट हुई महादेव की विशाल शिवलिंग, जिसे देखकर सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह बात है सन 2016 की, जब एक साधु बाबा गंगा माता का दर्शन व स्नान करने ट्रेन से प्रयागराज आ रहे थे। दोस्तों, यह साधु बाबा शिव जी के अनन्य भक्त थे। हर दिन वह सबसे पहले सुबह उठकर स्नान करने के बाद शिवलिंग में हर दिन जल अर्पण करते थे और दूध अर्पण करते थे और दूध के साथ महादेव का स्नान कराते थे। इसके बाद ही वह अपने दिनचर्या की शुरुआत किया करते थे। उसकी आस्था शिव जी के प्रति अटूट और प्रबल थी। एक दिन साधु बाबा को घर में गंगा जल का एक काम पड़ा, जो कि पूजन विधि के लिए उन्हें काम पड़ा था। फिर क्या, वे ट्रेन से प्रयागराज जाने लगे। जब वह प्रयागराज पहुंचे, तब बहुत ही समय हो चुका था, जिस कारण उन्हें कोई भी गाड़ी आसपास नहीं दिख रही थी। साधु बाबा ने वैसे तो बहुत गाड़ी ढूंढने की, किंतु वह असफल रहे। आखिर में हार मानकर साधु बाबा को वहीं रुकना पड़ा। जब सुबह हुई तो साधु बाबा हर दिन के भांति सुबह उठकर गंगा नदी में स्नान करने के बाद शिव जी के मंदिर को ढूंढने लगे, क्योंकि उन्हें हर दिन की तरह इस दिन भी शिव जी का जल अभिषेक करना था। वह दूर दूर तक गए, लेकिन उन्हें कहीं भी शिव जी के मंदिर का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा, भाई यहाँ आसपास कहीं शिव जी का कोई मंदिर है क्या? मुझे जल अभिषेक करना है, मैं हर दिन शिव जी को जल अभिषेक करता हूँ। किंतु वहाँ पर किसी को भी वहाँ शिव जी के मंदिर के बारे में नहीं पता था। वहाँ पर आसपास खड़े सभी लोग साधु बाबा को कहने लगे, क्षमा करे, हमें नहीं पता। साधु जी अपनी तरह से बहुत प्रयास किए, वह कोसों दूर दूर तक पैदल ही चलते रहे और ढूंढने का बहुत प्रयास किए। जब उन्हें दूर दूर तक कहीं भी शिव जी की मंदिर नहीं दिखाई दी, किंतु समय 7 बजने वाला था और वह हर दिन शिव जी को सूर्य उदय से पहले जल अर्पित किया करते थे। सूर्य निकलने ही वाला था, इस कारण साधु जी गंगा नदी में खड़े हो गए और वहाँ पर शिव जी से अरदास करने लगे और शिव जी से यही कहने लगे, हे महादेव, मैं कितना अभागा हूँ जो आपका आज दर्शन भी नहीं कर पाया। मैंने आपकी मंदिर को ढूंढने की बहुत प्रयास किया, किंतु मैं असफल रह गया। हे महादेव, अगर मेरी भक्ति शक्ति आपके प्रति, आस्था मेरी अटूट हो और सच्ची हो, तो हे महादेव, आप मुझे दर्शन देकर मेरे जल को स्वीकार करो। तब वह साधु बाबा अपना दोनों आंख बंद कर ओम नमः शिवाय का जाप ही कर रहे थे। जब उन्होंने आंख खोला तो उनके साथ साथ वहां आसपास जो भी भक्तगण थे, उन सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन सभी लोगों ने देखा कि अचानक गंगा नदी से एक बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा शिवलिंग निकल रही है, जिसमे शेषनाग भी ऊपर में लपटे हुए है, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। जब साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि साक्षात शिव जी का शिवलिंग, इतना बड़ा प्रतिमा सामने में प्रकट हो चुका है, जिसे देखने के बाद उनकी आस्था भोलेनाथ के प्रति कई गुना अधिक बढ़ गई। जब वह जल अर्पित करने ही वाले, तभी भक्तों की भीड़ लग गई और सभी भक्तगण उसमें जल अर्पित करने लगे। लेकिन जब साधु बाबा उस पर जल अर्पित किए, वह तत्पश्चात तुरंत ही गंगा नदी में फिर से वापस समा गया। यह दृश्य वहां सभी खड़े लोग देखकर हैरान हो गए। वह सभी उस साधु बाबा से कहने लगे, हे साधु महात्मा, आप शिव जी के बहुत बड़े भक्त लगते हैं। आज आपके कारण ही साक्षात हमें गंगा नदी में महादेव का इतना विशाल शिवलिंग का दर्शन हो पाया है। फिर सभी लोग वहाँ जो भी भक्तगण थे, साधु बाबा को शत शत नमन कर उनके पैर छूने लगे। साधु बाबा यह सभी दृश्य देखकर दंग थे और उनकी आस्था भोलेनाथ के प्रति अटूट हो गई। जब वह ट्रेन से अपने घर वापस आए तो उन्होंने यह सारी घटना अपने आसपास के लोगों को बताई, लेकिन उन्होंने कहा, नहीं साधु महात्मा, ये आपका भ्रम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन साधु महात्मा को पता था कि यह मेरा भ्रम नहीं था, ये मेरी अटूट आस्था की एक सच्ची घटना थी, जिसके कारण भोलेनाथ ने मुझे दर्शन दिया है और मेरी भोलेनाथ ने लाज रख ली। दोस्तों, आपका क्या मानना है इस कहानी को लेकर, हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सच्ची घटना घटी हो तो हमें कमेंट या मेल करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे एक और नई खास वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।